मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूँ कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ। ये नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा। मैं बार बार कहती हूँ मैंने गलती नहीं की, मैं आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती नहीं की। अगर एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है। अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ, ये मैंने कहा था। उसे मेरा एडमिशन ऑफ गिल्ट कह रहे हैं, जरा पढ़े उसको कि क्या कहा था मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना ये तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो कोट अनकोट इतना सा विषय था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है, तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। उस पर मैंने कहा, जो मौखिक संदेश भिजवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रेगुलेशन। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रेवल डॉक्यूमेंट टू ललित मोदी दैट विल नॉट स्पॉइल आवर बायलेटरल रिलेशन। ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता। एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं। आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सभापति जी, मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में वकील नहीं थे। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, 9वें नंबर की, 9वें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? एक रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदम्बर वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदम्बरम को उनका अपना विभाग इनका